चलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुश है और ये है गूगल पिक्सल 6 है और ये है गूगल का 30 वॉट का यूएसबी सी चार्जर। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो गूगल पिक्सल 6 है जिसका बैटरी कम्प्लीटली ड्रेनड आउट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको 0 to 100% चार्ज करने में गूगल के इस 30 वॉट के यूएसबी सी चार्जर को कितना टाइम लगता है। फटाफट से इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जो है ना, ये गूगल का अडैप्टर मिल जाएगा 30 वॉट का और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब अराउंड आपको 2000 to 3000 रुपीज़ के अराउंड ये मिलता है। सो कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है गूगल का ये 30 वॉट का यूएसबी टाइप सी अडैप्टर। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि गूगल पिक्सल 6 से अगर आप एक परचेज करते हैं तो आपके लिए कौन सा एक यूएसबी टाइप सी अडैप्टर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। मेरे पास यहाँ पे सैमसंग का 25 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर है, एप्पल का 20 वॉट का चार्जर है और इन दोनों चार्जर के थ्रू गूगल पिक्सल 6 से का 0 to 100% चार्जिंग टेस्ट ऑलरेडी हम किए हुए हैं और उस वीडियो का लिंक जो है ना वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर अगर आप वो सब वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। इन तीनों ही चार्जर के चार्जिंग टाइम का जो एक्चुअल कंक्लूजन है और कौन सा चार्जर ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा गूगल पिक्सल 6 के साथ परचेज करने के लिए, वो सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और ये तीनों ही अडैप्टर जो है ना यूएसबी टाइप सी वाला अडैप्टर है, बिकॉज आपको गूगल पिक्सल 6 के साथ जो है ना इस तरीके का यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलता है जो आप इन तीनों ही अडैप्टर्स के साथ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल के इस 30 वॉट के अडैप्टर में, सैमसंग के इस 25 वॉट के चार्जर में और एप्पल के 20 वॉट के चार्जर में प्राइस में भी काफी डिफरेंस है। तो सबसे पहले ये जो गूगल पिक्सल 6 का केबल है इसको हम गूगल के इस 30 वॉट के अडैप्टर में कनेक्ट कर लेते हैं एंड यहां पे आप देख सकते हैं कि गूगल पिक्सल 6 का जो बैटरी है वो कंप्लीटली ड्रेनड आउट है। तो यहां पे चार्जर जो है वो हम क्विकली कनेक्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे जो है ना हम चार्जर को टर्न ऑन कर देते हैं एंड यहाँ पे टाइमर को हम स्टार्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है गूगल पिक्सल 6 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पिक्सल 6 जो है ना 1% चार्ज हो गया, तो हम इसको क्विकली जो है ना टर्न ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेटिंग का, तो यहाँ पे हम ब्राइटनेस लेवल जो है वो फुल पे कर दिए हैं। मेरा फोन जो है वो वाईफाई से कनेक्टेड है, ब्लूटूथ जो है वो ऑन है। इसके अलावा जो वॉल्यूम लेवल है उसको भी हम फुल कर देते हैं, बिकॉज जब हम सैमसंग के चार्जर को और एप्पल के चार्जर को यूज़ किए थे, जब हम पिक्सल 6 का बैटरी चार्जिंग एंड ड्रेन टेस्ट किए थे ना, उस समय भी हम ब्राइटनेस लेवल और मेरा फोन जो है वाईफाई से कनेक्टेड था, वॉल्यूम लेवल हम फुल पे रखे थे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम फोन के सेटिंग में जाते हैं, बैटरी सेटिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3% चार्ज हो गया है एंड 1 hour 48 minutes का एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ पे शो कर रहा है। आई होप आपको क्लियरली स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे हम स्क्रीन को ऑफ करते हैं एंड नेक्स्ट 30 minutes के बाद यहाँ पे चेक कर लेंगे परसेंटेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्जिंग का 30 minutes का टाइम जो है वो पूरा हो चुका है एंड यहाँ पे अगर हम बात करें चार्जिंग परसेंटेज का, तो मेरा जो पिक्सल 6 है वो 15% चार्ज हो गया है। चार्जिंग रैपिडली यहाँ पे शो कर रहा है, कोई एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। बगल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो नॉइज आ रहा था, इसलिए हम 1 minute जो है ना वेट किए और यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्टेड टाइम शो नहीं कर रहा है। फोन जो है वो इन हैंड हमको हल्का हल्का वार्म फील हो रहा है। जो मेरा रूम टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं अराउंड 33 degrees Celsius है एंड यहाँ पे अगर हम इसके डिस्प्ले का टेम्परेचर मेजर करें तो वो अराउंड 39.3 degrees Celsius है। फोन का जो बैक पैनल का टेम्परेचर है विथ स्क्रीन वो भी 39 degrees Celsius है एंड हम आपको बता दें कि मेरे रूम में जो है ना कोई भी फैन नहीं चल रहा है, तो अगर आप फैन चलाते हैं तो आपको इतना हाई टेम्परेचर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब जब नेक्स्ट 1 hour का चार्जिंग टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद हम लोग इसका बैटरी परसेंटेज चेक कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पिक्सल 6 के चार्जिंग का जो है ना 1 hour का टाइम पूरा हो चुका है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 41% ये चार्ज हो गया है। जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो अभी भी जो है ना अराउंड 1 hour 27 minutes यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे जो चार्जिंग स्पीड है गूगल के इस 30 वॉट के अडाप्टर से हमको काफ़ी स्लो लगा। सेम टाइम में, मतलब कि 1 hour के चार्जिंग टाइम के दौरान जो है ना, एप्पल के इस 20 वॉट के चार्जर से या सैमसंग के इस 25 वॉट के सुपर फास्ट चार्जर से जब हम चार्जिंग टेस्ट किए थे तो अराउंड गूगल पिक्सल 6 से जो है ना 60% चार्ज हो गया था, बट यहाँ पे जो चार्जिंग स्पीड है वो हमको काफ़ी स्लो लग रहा है फिलहाल। बाद में अगर ये मेकअप होता है तो वो हम लोग आगे देखेंगे। बाकी इसका स्क्रीन जो है हम ऑफ कर देते हैं एंड यहाँ पे क्विकली जो है ना एक बार टेम्परेचर जो है वो मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अभी फिलहाल स्क्रीन का टेम्परेचर है वो 38.7 degrees Celsius है एंड जो बैक पैनल का टेम्परेचर है वो 39.1 degrees Celsius है। नेक्स्ट, जब चार्जिंग का 2 hours का टाइम पूरा हो जाता है फिर हम लोग इसका चार्जिंग परसेंटेज चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे जो है ना पिक्सल 6 के चार्जिंग का 2 hours का समय जो है वो पूरा हो चुका है एंड यहाँ पे अगर हम चार्जिंग परसेंटेज चेक करें तो आप देख सकते हैं मेरा फोन जो है वो 87% चार्ज हो गया है एंड यहाँ पे अभी भी 33 minutes जो है ना चार्जिंग टाइम एक्सपेक्टेड शो कर रहा है फुल चार्ज होने में। गूगल के इस 30 वॉट के चार्जर को यूज करके जो है ना एक बार 0 to 100% का चार्जिंग टेस्ट हम वापस से बैकग्राउंड में रिपीट करेंगे और वो एक्सपीरियंस भी हम आपके साथ कंक्लूजन पार्ट में शेयर करेंगे। बाकी एक बार जब पिक्सल 6 से फुल चार्ज हो जाता है तो फाइनल जो चार्जिंग टाइम होगा वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनली जो है ना 2 घंटा 34 मिनट के आसपास का समय लगा और मेरा गूगल पिक्सल 6 से जो है वो 0 to 100% फुल चार्ज हो गया गूगल के इस 30 वॉट के USB-C चार्जर के थ्रू। अब ये जो गूगल का 30 वॉट का USB Type-C अडाप्टर है ना, इसके थ्रू ये सेम चार्जिंग टेस्ट हम बैकग्राउंड में एक और बार रन किए और उसका जो वीडियो क्लिप है वो हम आपके सामने अभी स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। उस समय जो रूम टेम्परेचर था वो भी थोड़ा कंट्रोल था और उस समय कितना हमको चार्जिंग टाइम देखने के लिए मिला वो आपके सामने स्क्रीन पे है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनली जो मेरा पिक्सल 6 है ना, इसका बैटरी 0 to 100% चार्ज हो गया। जब दोबारा हम गूगल के 30 वॉट के USB-C चार्जर को यूज किए तो जो टाइम है वो अराउंड हमको यहाँ पे 1 घंटा 57 मिनट का लगा, मतलब कि 2 घंटे से 3 मिनट कम का लगा। और जो फर्स्ट टाइम हम इस चार्जर का यूज करके चार्जिंग स्पीड कैलकुलेट किए थे उससे काफी मैसिव इंप्रूवमेंट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला। एंड वाइल चार्जिंग हमको फोन में कोई मैसिव हीटिंग इशू भी नोटिस नहीं हुआ। जब दोबारा हम चार्जिंग टेस्ट कर रहे थे उस समय जो रूम टेम्परेचर था वो पहले बार जब हम चार्जिंग टेस्ट कर रहे थे उसके कंपेरिजन में थोड़ा कंट्रोल था। तो फ्रेंड्स फाइनली अगर हम बात करें गूगल पिक्सल 6 के लिए, इन तीनों में से कौन सा चार्जर ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, तो यहाँ पे जो गूगल का 30 वॉट का टाइप सी चार्जर है ना, इसको दो बार यूज किए। फर्स्ट टाइम का जो चार्जिंग टेस्ट था उसको आप इग्नोर कीजिएगा और जो सेकंड टाइम जो चार्जिंग स्पीड हमको देखने के लिए मिला इन तीनों ही चार्जर का ऑलमोस्ट सिमिलर था। तीनों ही चार्जर को जब हम टेस्ट किए गूगल पिक्सल 6 के साथ 0 to 100% चार्ज करने के लिए तो अराउंड हमको 2 घंटे का चार्जिंग टाइम देखने के लिए मिला। इन तीनों ही चार्जर का यूज करते हुए जो चार्जिंग टाइम था उसमें डिफरेंस लेस देन 10 मिनट का था। गूगल के 30 वॉट के टाइप सी चार्जर को जब हम गूगल पिक्सल 6 के साथ सेकंड टाइम यूज किए तो हमको 1 घंटा 57 मिनट का समय लगा। वहीं पे एप्पल का 20 वॉट का चार्जर 2 घंटे के आसपास का समय लेता है 0 to 100% चार्ज करने में और सैमसंग का 25 वॉट का चार्जर 2 घंटा 5 मिनट के आसपास का समय लिया। मतलब तीनों ही चार्जर से जो है ना गूगल पिक्सल 6 को 0 to 100% चार्ज करने में अराउंड 2 घंटे का समय लग जाता है। वहीं पे अगर हम प्राइसिंग का बात करें तो जब हम ये वीडियो बना रहे हैं या फिर गूगल का जो ये 30 वॉट का टाइप सी चार्जर है ये हम 2200 रुपीज में फ्लिपकार्ट से परचेज किए हैं। इन तीनों ही चार्जर में सबसे एक्सपेंसिव है ये गूगल का 30 वॉट का टाइप सी चार्जर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एप्पल के इस 20 वॉट के चार्जर का तो ये आपको अमेजोन पे 1500 to 1850 रुपीज के मिल जाएगा, मतलब कि सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव चार्जर है इन तीनों में। और जो सबसे लेस एक्सपेंसिव है वो है सैमसंग का 25 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर, ये आपको 900 रुपीज से लेके 1200 रुपीज के अराउंड मिल जाएगा और ये ब्लैक और व्हाइट दो कलर में मिलता है। तो अगर आपके लिए कलर मैटर नहीं करता है तो सैमसंग का जो 25 वॉट का चार्जर ब्लैक कलर वाला है वो मैक्सिमम टाइम आपको व्हाइट कलर वाले से कम प्राइस पे मिल जाएगा अमेजोन पे। और हम हाल ही में जो है ना हमको 950 रुपीज में मिल रहा था तो हम सैमसंग का एक 25 वॉट का टाइप सी अडेप्टर अमेजोन से हाल ही में परचेज किए हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि गूगल पिक्सल 6 के लिए इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है वो मेरे अकॉर्डिंग सैमसंग का 25 वॉट का टाइप सी अडेप्टर है जो आप परचेज कर सकते हैं 900 to 1200 रुपीज में Amazon से। अब Samsung का ये 25 वॉट का टाइप सी फास्ट चार्जर अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो Amazon पे जो है ना बहुत सारा फेक चार्जर लिस्टेड है और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि कौन सा फेक है कौन सा ओरिजिनल है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना ब्लैक एज वेल एज व्हाइट कलर वाले Samsung के 25 वॉट के टाइप सी चार्जर का जो बेस्ट लिंक है जो ओरिजिनल चार्जर का लिंक है वो हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर आप एक आईफोन यूज कर रहे हैं गूगल पिक्सल 6 से परचेज करते हैं उस कंडीशन में आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप एप्पल का 20 वॉट का चार्जर परचेज करें और अगर आपके पास ऑलरेडी एप्पल का 20 वॉट का चार्जर है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप गूगल पिक्सल 6 के लिए एक दूसरा चार्जर परचेज करें। बिकॉज जैसा कि हम आपको बताएं तीनों ही चार्जर से ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही आपको चार्जिंग स्पीड देखने के लिए मिलेगा बट किसी भी एंगल से गूगल का ये जो 30 वॉट का चार्जर है हमको वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गूगल पिक्सल 6 के रिगार्डिंग। कोई भी डाउट हो क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय, जय हिंद।